दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। एक तरफ जहां हमें मार्च 2020 के महीने में क्रिकेट के बहुत सारे बड़े बड़े रोमांचक मुकाबले देखने को मिलने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट पर कोरोना वायरस के कहर के चलते बहुत सारी बड़ी बड़ी सीरीजों को रद्द कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी संसार की 15-16 बड़ी सीरीजों के बारे में जिन पर कोरोना वायरस का कहर हमें देखने को मिला है, कोरोना वायरस की वजह से जिनको रद्द किया गया है। सभी सीरीजों के बारे में वन बाई वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर हम बात करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि पूरा संसार इस कोरोना वायरस नाम की बीमारी से जल्द ही निपट जाए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यह मार्च का महीना पूरे रोमांच से भरा हुआ था, क्योंकि इस महीने हमें बहुत सारे बड़े बड़े रोमांचक मुकाबले देखने को मिलने वाले थे, लेकिन क्रिकेट पर कोरोना वायरस के कहर के चलते क्रिकेट की 15 से 20 बड़ी बड़ी सीरीजों को रद्द कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं यहां पर उन सभी सीरीजों के बारे में। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है जो लेजेंड्स की सीरीज खेली जा रही थी, रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज। इस सीरीज के 4 मुकाबले हो चुके थे, चारों ही मुकाबले बहुत ही रोमांचक रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस के कहर के चलते रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज को सबसे पहले रद्द किया गया। उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश में होने वाली एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज को कोरोना वायरस के कहर के चलते रद्द किया गया। उसके बाद यहां पर IPL 2020 की स्टार्टिंग डेट को डिले किया गया। पहले 29 मार्च 2020 से IPL 2020 की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन अब 15 अप्रैल तक यहां पर IPL 2020 की स्टार्टिंग को डिले कर दिया गया, और इसका कारण भी कोरोना वायरस ही है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी सीरीज की, तो यह सीरीज है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली वनडे सीरीज। पहला वनडे मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला जाना था, बारिश में वह मुकाबला धुल गया था। उसके बाद BCCI ने डिसीजन लिया था कि बचे हुए दोनों वनडे मुकाबले बिना ऑडियंस के खेले जाएंगे, लेकिन बाद में यहां पर इस वनडे सीरीज को भी रद्द किया गया। उसके बाद दोस्तों पांचवी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज, जहां पर पहला वनडे मुकाबला खेला जा चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को जीता था, लेकिन बचे हुए दोनों वनडे मुकाबलों को कोरोना वायरस के कहर के चलते रद्द कर दिया गया। दोस्तों उसके बाद छठी सीरीज थी यहां पर श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली थी। 19 फरवरी से इस सीरीज की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन इस सीरीज को भी रद्द कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों सातवें नंबर पर कोरोना वायरस का कहर हमें देखने को मिला पाकिस्तान सुपर लीग पर, जहां पर बिना ऑडियंस के अब बचे हुए सभी मैच होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आठवीं सीरीज थी यहां पर ईरानी कप, जो भारत की डोमेस्टिक सीरीज है, सौराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच 18 मार्च से 22 मार्च के बीच यह सीरीज होने वाली थी, लेकिन इस सीरीज को भी यहां पर रद्द कर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर वुमेन्स क्रिकेट की 7 बड़ी सीरीज को रद्द कर दिया गया है, जो है वुमेन ODI नॉकआउट, सीनियर वुमेन ODI चैलेंजर, वुमेन अंडर 19 ODI नॉकआउट, वुमेन अंडर 19 T20 चैलेंजर, वुमेन अंडर 23 ODI नॉकआउट, वुमेन अंडर 23 T20 चैलेंजर और विजी ट्रॉफी, इन 7 वुमेन्स की लीग को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 मार्च से चेन्नई सुपर किंग के ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कहर के चलते CSK के ट्रेनिंग कैंप को भी रद्द कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अफ्रीका की T20 कप, जी हां एशिया अफ्रीका T20 कप जिसकी मेजबानी केन्या को दे रखी थी, वह सीरीज भी रद्द कर दी गई है। कुछ ही दिनों बाद उस सीरीज की शुरुआत होने वाली थी। तो दोस्तों ये है वर्ल्ड की वो बड़ी सीरीज जिनको कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया है, जिससे क्रिकेट पूरी तरह से यहां पर ठप पड़ गया है। खैर अब हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहां पर इस वायरस की समाप्ति हो जाए, इस वायरस से दुनिया निपट जाए। खैर यहां पर हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं IPL 2020 की शुरुआत का, जहां पर अभी तक BCCI ने इंफॉर्मेशन दी है कि 15 अप्रैल 2020 से सीजन की शुरुआत होने वाली है। खैर देखते हैं फ्यूचर में यहां पर क्या कुछ हो पाता, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.